अभी उनके पास में पीएम का तो चेहरा नहीं छे, लेकिन उनको बोलना विपक्ष का कौन है आपके पास चेहरा विपक्ष में विरोध में, वो तो भी बताओ। पीएम में तो नहीं छे विपक्ष। सोमवार को ममता बनर्जी, मंगलवार को राहुल गांधी, ऐसा चलेगा नहीं। तो फिर वैसा करना उनका साप्ताहिक रखना फिर। तो ये उखाड़ फेंक देंगे, बात कर रहे हैं कि उखाड़ ही फेंक देंगे हम, तो मोदी की विचारधारा, मोदी की सत्ता ही खत्म कर देंगे। ये उखाड़ नहीं सकते, इनको बोलना आपका विपक्ष का नेता कौन है, पीएम का नहीं, विपक्ष का नेता कौन है आपका गठबंधन का, वो पहले डिक्लेयर करो। आप पीएम तो बन ही नहीं सकते, कोई नहीं है उनके इसमें, मोदी जी के बगैर कोई है ही नहीं। फिर विपक्ष में कौन है उनका, अभी 9 साल में एक भी टेररिस्ट हल्ला हुआ नहीं, अगर हो गया तो आपने आप उधर के देश में जाके जवाब दिए कि नहीं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया कि नहीं, मोदी जी बैठ कर थे कि नहीं, वो जवान आपने आए तक वापस, ये काम करना पड़ता है। कि विपक्ष किसको अच्छा नहीं बोलेगा, तुमको तुम्हारा धंधा चलाना है, मुझे मेरा धंधा चलाना है, मैं बोलूंगा वो दुकान बहुत अच्छा है, मेरे यहाँ पे ग्राहक कौन आएगा, उनका बोलने का काम है। मोदी जी के टक्कर में ना कोई होया ना कोई आएगा। तो मध्य प्रदेश की धरती से इतना बड़ा बयान कि मोदी को वोट देने वाले राक्षस कहने की, आपको लग रहा है कि ये गलत तरीका है चुनाव प्रचार? देखिए, हर इंसान आप अपनी बात रख सकता है, अब उनकी क्या बात है, उन्होंने क्या रखी वो नहीं बोल सकते हम। सिर्फ हमारा इतना बोलना है कि मोदी जी की सरकार आएंगी 2024 में और 2029 में भी आएगी, इस बार 400 पार हो जाएंगे। तो 26 दलों का गठबंधन, जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं इनमें, वो दावा कर रहे हैं कि उखाड़ फेंक देंगे, पॉसिबल नहीं होने वाला क्या? नहीं, देखिए उनका उनमें पहले तालमेल होना जरूरी है सब में। पहली बात देखियो, बनने के लिए मैं भी पंतप्रधान बन सकता, मैं भी बोलने को बनता, मैं पंतप्रधान बनने वाला हूँ, लेकिन आपला जो 5 जने, अपन 5 जनों में से 5ों की आपकी, 4ों की राय होना ना कि ये होना वो होना, आप चेहरा क्लियर कर दिए ना पहले। क्लियर नहीं है ये कह रहे हैं आप, अभी उनके पास में पीएम का तो चेहरा नहीं छे, लेकिन उनको बोलना विपक्ष का कौन है आपके पास चेहरा विपक्ष में विरोध में, वो तो भी बताओ। पीएम में तो नहीं छे विपक्ष। सोमवार को ममता बनर्जी, मंगलवार को राहुल गांधी, ऐसा चलेगा नहीं। तो फिर वैसा करना उनका साप्ताहिक रखना फिर। तो ये उखाड़ फेंक देंगे, बात कर रहे हैं कि उखाड़ ही फेंक देंगे हम, तो मोदी की विचारधारा, मोदी की सत्ता ही खत्म कर देंगे। ये उखाड़ नहीं सकते, इनको बोलना आपका विपक्ष का नेता कौन है, पीएम का नहीं, विपक्ष का नेता कौन है आपका गठबंधन का, वो पहले डिक्लेयर करो। आप पीएम तो बन ही नहीं सकते, कोई नहीं है उनके इसमें, मोदी जी के बगैर कोई है ही नहीं। फिर विपक्ष में कौन है उनका, किसे बनाएंगे? 26 का जो गठबंधन है तुम्हारा, वो गठबंधन में विपक्ष का नेता किसको बनाएंगे आप? तो जनता कंफ्यूज है क्या? जनता कंफ्यूज नहीं है, विपक्ष कंफ्यूज है। क्लियर है, कांग्रेस जीतेगी, राहुल गांधी जीतेगा, क्लियर। राहुल गांधी जीतेगा, इतनी खाना खराबी चल रही है, कम है क्या? देख रहे हो ना माहौल क्या चल रही है, जिसके बटुआ भर रहा है, जेब गरम है, वो तो ठीक है, बटुआ भरा हुआ है आपका, विपक्ष जो सरकार था, नहीं बटुआ भरा हुआ, बटुआ जिनका भरा हुआ है वो है ना भरा हुआ है ना, भरा हुआ है ना, क्यों भरा, किसने भरा, नहीं क्यों भरा हुआ बताता ना मैं आपको। पहले की जो सरकार में, पहले के सरकार में 100 रुपीज दिल्ली से निकलता था, दिल्ली से 100 रुपीज निकलता था। तो जो कैंडिडेट है, जो तुमको उसका लाभ मिलने वाला है, आप लाभार्थी है, यहाँ से 100 रुपये निकला तो कटते कटते 20 रुपीज आपके पास आता था, लेकिन आप तो मोदी जी से 100 रुपये निकालो तो 100 मेरे जेब में आ जाए, ये कह रहे हैं, ये क्लियर हो गया है। अच्छा, आपको लग रहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, देखो यहाँ का माहौल ही देख लो, अगर जेब में पैसा होगा हम रिक्शे वाले को 10-20-50 नहीं देखेंगे, आप साला 10 देने से भी सोच रहे हैं कि जब पैसा है ही नहीं तो दे कहाँ से, कुछ है ही नहीं ना भाई। रोड कह दिया कि रोड बन गया, रोड से होगा क्या, हमारी जेब में है क्या कुछ, लग्जरी कार चलाने को है क्या, महंगाई बढ़ गई है। अच्छा करिए, राहुल गांधी कहने का मतलब ये है कि सरकार हाईवे के साथ गाड़ी भी खरीद के दे, यही मतलब हो गया ना भाई। हाईवे तो सरकार काम कर रही है, पहले की सरकार ने करा नहीं, आप कह रहे हो हमारे को क्या करना है उसका, तो अगर आपको क्या करना है, अगर आपके अंदर को पोटेंशियल है काम करने की, तो एक शहर से दूसरे शहर जाओ, हाईवे जो रास्ता जो कम दूरी हो गई है उससे करके अपना काम करो, क्या दिक्कत है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये कांग्रेस ये नहीं बन सकते, कांग्रेस भी जानती है इस बात को, क्यों नहीं बन सकते? 19 साल का अनुभव हो गया, भारत का हर एक स्टेट घूम के आया हूँ, अनुभव हो गया मेरे पास। फिर तो टूर एंड ट्रैवल वाले ज्यादा बन जाने चाहिए, जो पूरा घूमते रहते हैं, जो गाइड्स होते हैं, उनको प्रधानमंत्री बना देंगे क्या, घूमने के आधार पर प्रधानमंत्री? ये भाई साहब कह रहे हैं कि जिनकी जेब भरी हुई है,
वो तो भाई कह रहे हैं मोदी मोदी, जिनकी जेब खाली है आम आदमी वो तो कह रहा है बिल्कुल ही, राहुल गांधी तो कह रहे हैं पीएम लाएंगे बिल्कुल। अच्छा अगर वो आ जाएंगे तो आपकी जेबें भर जाएंगी? जो 300 रुपए नहीं नहीं आप नहीं नहीं आप एक चीज बताओ ना, आज अगर मजदूर की दिहाड़ी भी है ना वो 500 रुपए है, 300 रुपए की आप बात ही छोड़ दो, आज के हमें मजदूर को मिलते हैं, आप भारत में सबसे सारा स्टार्टअप है, सबसे सारा एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपको मुद्रा लोन मिल जाता है, एमएसएमई लोन मिल जाता है, तो करण तो आपको करना पड़ेगा, घर थोड़ी जाएगी मोदी जी, कमी कहाँ रहेगी, आपको क्या लग रहा है भाजपा की कमी का, कौन सी कमी? सारे भाई कितने रुपए कमा रहा है पर डे, कितने रुपए कमा रहा है, 500 बोल रहे हैं ना ये, 500 रुपए में घर चल जाता है क्या? 500 रुपए में चल जाता है, 500 रुपए पर डे का खर्चा होता है, बहन बेटियों की शादी कहाँ से करेगा बंदा? तो ये भाजपा के आने के बाद हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी फैल गई। आप मुझे बताइए, आपको आरोग्य का कोई प्रॉब्लम रहा तो 5 लाख रुपए तक का दवाखाना आयुष्मान भारत में, हाँ आपको कोई आरोग्य का प्रॉब्लम रहा क्या अभी पैसे का देने का नहीं है, तुमको राशन मुफ्त है, तुमको वैक्सीन, इतना बड़ा कोरोना कोविड में वैक्सीन इंडिया को तो दिया लेकिन इंटरनेशनल लेवल को दिए ना आप उनने वैक्सीन, भारत ने, ये मोदी जी ने किया ना, किसान योजना है, किसान को पर मंथली पैसा मिलता है। आपको लग रहा है जमीन पर उतर रही है चीज़ें क्या? ये जमीन पे उतर ही नहीं, वो लोगों को मिल रही है, वो फैसिलिटी मिल रही है वो लोगों को, जो लोगों को नहीं मिलती थी उनको मिल रही है फैसिलिटी। एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये है, देखिए आपने कहा राहुल गांधी जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अच्छा आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी खूबियां है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, क्योंकि 26 दलों का नेतृत्व करने की बात आती तो और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, कौन कौन सी खूबियां प्रधानमंत्री? बेहतर ये है वो युवा के बारे में सोचते हैं, हमारे जैसी सोच रखते हैं, ठीक है ना, जितनी बेरोजगारी उन्हें पता है, वे घूम रहे हैं जगह जगह, उन्हें हर कोने कोने का पता है क्या चल रहा है, तो उन्हें सबसे बेहतर वही करेंगे। देख लो मेरा पेट देख लो, घर बैठे बैठे ना निकल गया है, काम मिलना ही नहीं है, मतलब समस्या ये है, समस्या बेरोजगारी नहीं है, समस्या ये है कि इनका पेट निकल गया, उसके लिए मोदी जी ने पूरे विश्व को योगा करना सिखाया है, तो आप योगा करो उसे ठीक हो जाओगे, देखिए कमियां निकालना बहुत आसान है, और मोदी सरकार ने जितना विकास करा है और जितने मौके दिए हैं, आज ये भाई अगर काम कर रहे हैं ना, ये भी इंटरनेट सस्ता करने के बाद आप अब इंटरप्रेन्योर बनके आप अपना सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, भाई ऐसा काम करो ना, घर बैठ के पेट हो जाएगा, आज तो का पेट फिर बड़ा हो जाएगा, इस वक्त मोदी जी ने कर दिया, तो हर चीज़ मोदी जी के सर पे नहीं है, कर्म तुमको करना पड़ेगा मोदी जी की तरफ से, सारी खूबियां खूबियां राहुल गांधी में, तो पांच खूबियां गिनवा दो, गिना दीजिए पांच खूबियां, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पांच खूबियां, एक सेकंड, राहुल गांधी के पांच खूबियां कितनी खूबियां गिनोगे? मैं सम्मान कर रहा हूं, आप बताइए ना राहुल गांधी की पांच खूबियां। भाई जो युवा के बारे में सोचते हैं, ठीक, बेरोजगारी कम हो जाएगी, उन्हें पता है, घर घर का पता है उन्हें, ठीक है, जो गरीब घूम रहे हैं ना, ये खाना खराबी है ये, भाई 300-400 रुपए क्या कमाना है, इसमें क्या करेगा बंदा, और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। युवा ये कोई उदाहरण नहीं हुए, पांच खूबी नहीं बता सकते, देश का प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे, देश का प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे, मोहल्ले का प्रधान बनाने के लिए 10 खूबी देखी जाती है, देश का प्रधान 3 खूबी के अंदर भी उसके अंदर भी 2 खराब है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री खुद भी जानते हैं कि उससे कैलिबर नहीं है, लेकिन एक विरोध करना है तो उसने राहुल गांधी को, बस मैं आगे नहीं बोलना चाहता कि क्या बनाना चाहते हैं, विरोध करना बोले खाली विरोध करना इसका मतलब नहीं है, खाली विरोध ही करना बोलते, उसको बताओ ना तुम, जैसा अभी हमने बताया अभी 9 साल में एक भी टेररिस्ट हल्ला हुआ नहीं, अगर हो गया तो आपने आप उधर के देश में जाके जवाब दिए कि नहीं, आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया कि नहीं, मोदी जी बैठ कर थे कि नहीं, वो जवान आपने आए तक वापस, ये काम करना पड़ता है। बोलना ये है, सर बोल रहे थे कि राहुल गांधी अभी जेब के लिए, इसके पहले सरकार थी तो क्यों नहीं करे उन्होंने, इसके पहले तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना, जब कर सकते थे ना वो, आज घूम रहे हैं सब कर रहे हैं, देश की जनता जागरूक हो चुकी है, देश की जनता जागरूक हो चुकी है, देश के जनता को पता है कि ये देश का हित में काम करने वाला कौन इंसान है, पहले कोई भी मंत्री रह जाए हर घोटाले में मंत्री पकड़ा जाता था, हर इंसान को उसकी तकलीफ होती थी क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा था, वो पैसा जनता के पास जाने के अलावा मंत्री लोग खा जाते थे, अभी वैसा नहीं है मोदी जी के कार्यकाल में। आप ये कहना चाह रहे हैं, अच्छा क्या नाम हुआ आपका? शुभम। देखिए अभी आपने देखा राहुल गांधी की जैसी मेंबरशिप वापस से बहाल हुई, माहौल और गर्म हो गया, संसद में कहीं राहुल गांधी आग मारते तो उस पर FIR दर्ज हो रही है, फ्लाइंग किस कर रहे तो FIR दर्ज हो रही है, वो साहब कह रहे कि भाई हमसे जैसे डरते ही है, मेरे बोलने से डरते तो मुझ पर FIR करते हैं, क्या तरीका है ये बोले? नहीं ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और इस बार 2024 में जो चुनाव है उसमें भी मतलब भाजपा की सरकार आएगी, और राहुल गांधी में ऐसे जैसे कहे थे कि कोई गट्स नहीं है, कोई कमी, जैसा आप कहे थे पांच खूबियां गिनवाओ,
तो राहुल गांधी योग्य है बनने, बट जो उनके साथ जो सरकारें जुड़ी हुई है ना, जो उनके साथ आदमियां हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है राहुल गांधी इंसान ख़राब है, राहुल गांधी इंसान बहुत बढ़िया है, बट ये जो नेक्स्ट ईयर चुनाव है उसमें मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। मोदी जी ही बनेंगे मगर मोदी जी मतलब भाजपा की सरकार आएगी, बैठेंगे उस पर योगी जी। अच्छा, सरकार भाजपा की आएगी अगले में और बैठेंगे योगी जी? हाँ। इस बार तो मोदी जी क्लियर कह रहे हैं भाई मोदी जी ही बैठेंगे। नहीं, अब के मेरे को तो नहीं लगता कि जैसे भी उन्होंने कहा था पहले कि मेरी मतलब मैं 65 साल तक काम करूंगा, फिर उन्होंने कहा मैं 70 साल तक भी काम, अब की बार नहीं, वो 70, वो तो अपनी लिस्ट में कहते हैं कि मैं 70 प्लस काम करने नहीं चाहता, तो जहाँ तक अब की बार योगी जी ही बैठेंगे। अच्छा देखिए, ये बार बार जब बात होती है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पे है, कहीं ना कहीं अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग होता है, कहीं ना कहीं जनता को वो झंझोर देता है। हाल ही में मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल हुआ, कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री है मंच से कहते हैं कि राक्षस प्रवृत्ति के वो लोग हैं जो मोदी को वोट दे रहे हैं, वो जनता राक्षस है जो मोदी को वोट दे रही है। क्या मानना है आपका, किस तरीके की राजनीति है? निर्भया वाला जो कांड हुआ था उसमें भी अभी जो पहले जो 5 जो कैदी थे अभी वो मोदी के राज में उनको जेल हुई है और उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। ठीक है, सबसे पहला ये कोई आतंकवादी कोई ऐसे हम हो नहीं रहे हैं, जैसे भी पहले अमरनाथ की यात्रा करते थे लोग बाग डर का माहौल था, वैष्णो देवी करते थे तो टेररिज्म का इतना ज़्यादा मतलब सब नहीं जाते थे। हाँ, और अभी भी जैसे कि आप अभी 26 जनवरी ले लो या 15 अगस्त ले लो, टेररिज्म ऊपर से कहता है कि हम यहाँ पर हमला कर देंगे, हम वहाँ पर हमला कर देंगे, पर धमकियाँ भी नहीं मिली, आपकी बार धमकियाँ भी नहीं मिलने गई। तो आप अपने आप को देख सकते, भारत एक बहुत मजबूत देश है, मोदी जी मतलब जाकर देशों में ऐसा अपना उन्होंने अपना सार मान सम्मान बढ़ाया, ऐसा देश को आगे रखा, रिप्रेजेंट करा इंडिया को अपनी तरफ से।